नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हेल्प में। तो मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ हेल्थ बुलेटिन लेकर, जिसमें मैं आपको हेल्थ जगत की 5 सबसे बड़ी खबरों के बारे में बताऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली खबर। कोरोना के मामले कभी बढ़ रहे हैं तो कभी कम हो रहे हैं, पर इसी बीच विशेषज्ञ लगातार कोरोना से जुड़े नए नए शोध कर रहे हैं। हाल ही में आए शोध की बालों का झड़ना और सेक्सुअल हेल्थ का खराब होना भी लॉन्ग कोविड के लक्षण है। दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मरीज मिला है, जिसे LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरीज को आइसोलेशन वार्ड में रखकर इलाज किया जा रहा है। मरीज के सैंपल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेज दिया गया है। हालांकि अभी तक रिपोर्ट नहीं है। खतरे की घंटी है मंकी पॉक्स, घातक संक्रमणों की तैयारी की जरूरत है। तो वहीं WHO के मुख्य वैज्ञानिक स्वामीनाथन ने मंकी पॉक्स को खतरे की घंटी करार दिया। खतरे की घंटी करार देते हुए उन्होंने कहा कि 1979-1980 से स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन कार्यक्रम बंद है, और यह एक वजह हो सकती है कि इस वायरस को फिर से पनपने का मौका मिल गया है। मुंबई में जुलाई में मिले स्वाइन फ्लू के 64 मामले, गैस्ट्रो और डेंगू मलेरिया के मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो वहीं BMC के आंकड़ों के अनुसार इस बार की बरसात में स्वाइन फ्लू के मामले पिछले वर्ष की तुलना में 3 गुना अधिक बढ़ गए हैं। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल पंजाब के गुरुदासपुर से सांसद हैं, लेकिन अभिनेता ने राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं दिया था, जिस वजह से सनी देओल की खूब आलोचना हो रही है। इस मामले पर अब अभिनेता की प्रतिक्रिया सामने आई है। सनी ने बताया है कि वह अपने इलाज की वजह से वोट नहीं दे पाए। उनका इलाज चल रहा था, जिस वजह से वह चुनाव के समय देश में नहीं थे। तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ हेल्प के साथ।